हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग आपके फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के थर्ड एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में 6 जो है कि पार्ट्स हैं, तो 2-2 पार्ट्स करके जो है कि हम लोग इसको 3 सेशन में सॉल्व करेंगे। आइए जो है कि इस सेशन में हम लोग जो है कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है कि राइट द फॉलोइंग इन डिसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डिसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। ये जो 6 जो है कि जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, है ना, इसको हमको क्या है कि डिसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि जो डिसिमल जो है कि इन 6 टर्म्स के जो है कि जो फॉर्म्स हैं, जो उनका डिसिमल एक्सप्रेशन है ना, उसका क्या स्वरूप है, क्या काइंड है ना। तो आइए सबसे पहले जो है कि हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो है क्या है, 36/100, है ना। तो डिवीजन मेथड से या सिंपली इसको जो है कि हम लोग जो है कि डिसिमल फॉर्म में जो है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। 100 है, 0 है, इसलिए आसान है। आप डिवीजन भी निकाल सकते हैं, जैसे 36 को जो है डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, तो यहाँ डेसिमल डालेंगे क्योंकि 36 जो है कि 100 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले 3, तो इस तरह से ये आपका 300 हो गया, 6 ये कैंसिल हो गया, 0, फिर ये 0 जो है कि है, तो दशमलव के लिए यहाँ पहले ही हमने 0 डाल दिया है ना, तो ये 0 आ गया, तो ये कितना हो गया, 600, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो है कि हम लोगों को क्या वैल्यू मिला, 0.36। यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं 0.36। अब इसका काइंड बताना है, स्वरूप, है ना। देखिए हम लोग जो है कि जानते हैं, खास करके जो है कि जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर से संबंधित मैंने जारी किया है, उसमें जो है कि हम लोग चर्चा किए थे, मैंने बता रखा है कि डिसिमल फॉर्म्स में जो है नंबर्स एक्सप्रेशन के क्या स्वरूप होते हैं, है ना। तो उसमें जो है कि मैंने चर्चा किया था टर्मिनेटिंग जो है कि अगर आफ्टर जो है डिसिमल, अगर जो है कि वो एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाता है 2 या 3 जो है कि डिजिट के बाद, तो उसको हम जो है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस तरह का टर्मिनेटिंग जो है डिसिमल एक्सप्रेशन जो है कि वो रेशनल नंबर की कैटेगरीज में आता है। किस में आता है, ये ध्यान दीजिए आप, रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर जो फ्रैक्शंस में है, जब उसको डिसिमल एक्सप्रेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अगर जो है कि हमारा उसकी फाइंडिंग्स जो है, उसका रिजल्ट जो है, अगर जो है टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर बाय द वे ये जान लीजिए, वैसे यहाँ पर ही जो है ये टर्मिनेटिंग है ना, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा, तो ये टर्मिनेटिंग एंड रेशनल यहां लिखेंगे, इसका आंसर यही हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और इसका स्वरूप क्या है, रेशनल नंबर। ये दो चीज हम लोग लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड रेशनल नंबर, ये आंसर हो गया, क्लियर है। इतना लिखने के बाद ये फाइनल हमारा यही आंसर होगा, रेशनल नंबर जरूर लिखेंगे। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि ये तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया, अगर कोई भी रेशनल नंबर उसको अगर हम जो है कि डेसिमल जो है एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और वो रिपीटिंग हो रहा है, डिजिट्स जो है सर्टेन जो है डिजिट 2 या 3
है ना, रिपीट हो रहा है बार बार, यानी रेक्यूरिंग है, रिपीटिंग जो है कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो भी वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर। अगर फाइंडिंग इस तरह का आ रहा है किसी भी जो है कि फैक्टर्स का पी एंड क्यू के फॉर्म में है ना, तो अगर ये दोनों फाइंडिंग्स है हमारा, है ना, आइदर दिस एंड दिस, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर वो न तो टर्मिनेटिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टी फॉर जो है टर्मिनेटिंग, आर फॉर जो है रिपीटिंग, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो वैसा जो है कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है? यहां क्या लिखना है हमें कि हियर दिस डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर। क्लियर है? इस फर्स्ट का आंसर ये होगा, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट। ये तो मैंने आपको जो है क्या एक्स्ट्रा बता दिया। क्लियर है? अब जो है कि यहां पर हम लोग सेकेंड जो है को सॉल्व करते हैं। आइए, सेकेंड में क्या है, 1/11 डिवीजन मेथड से जो है कि इसका हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ये वन है तो ये डिवाइजर जो है डिविडेंट से बड़ा है, तो यहां दशमलव डालते हैं, इसके बदले एक जीरो आ गया। फिर भी क्या है कि यहां ये छोटा है तो एक जीरो डाले तो 100 हो गया। ठीक है, अब कितना खाएगा, ये 9, तो ये कितना आया, 1। क्लियर है? तो 0 है ना, इसके वजह से। और फिर जो है फिर भी छोटा है तो फिर यहां 0 डालेंगे तब ये एक जीरो और आएगा, तो फिर यहां पर 9, फिर 99, यहां क्या हो जाएगा, फिर 1, ये कैंसिल, फिर दशमलव के वजह से एक जीरो आएगा, फिर भी ये छोटा है तो इसको फिर यहां पर क्या है, यहां एक जीरो डालेंगे तो ये एक जीरो आया, है ना, तो फिर ये 9 होगा। तो यहां हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि 09 और 09, यहां फिर 1 आएगा तो फिर जो है कि एक जीरो है, फिर यहां पर जो है कि ये छोटा है तो फिर 0 डालेंगे, तो 09 09 जो है ये जो है क्या हो रहा है, यहां पर रिपीट हो रहा है और आगे रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, जस्ट जो है कि अभी मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर होगा, है ना, यानी कि ये जो है 1/11 जो पी एंड पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है इस तरह से जो है ये डिवीजन निकालने के बाद, है ना, कि डेसिमल 09 के ऊपर ये बार डालेंगे, ये रिपीटिंग और रेकरिंग्स का जो है कि साइन है। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब है कि ये आगे आगे जो है 09 09 रिपीट करता जाएगा। तो इसका काइंड बताना है हमको, काइंड क्या हो गया ये, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन। क्लियर है? है ना, और ये जो है एंड यहां लिख देंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
इतना हमको लिखना होगा ये डिवीजन के बाद, यहाँ पर ये सारा चीज जो है यहाँ अंत में हम लोग लिखेंगे, है ना, यहाँ पर देयर फोर या दस लगा करके ये चीज जो है कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अब अगले सेशन में हम लोग जो है कि थर्ड एंड फोर्थ करेंगे, है ना। आप लोग जो है कि हमारे चैनल से संबंध बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोज हैं उनको देखिए, मैथमेटिक्स के जो है कि हर चैप्टर के वीडियोज हैं उनको देखिए, लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।